मेरे चैनल टेस्टी फूड विद पूजा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको पाव भाजी बिल्कुल ठेले वाली घर पर बना कर दिखाऊंगी। इसके लिए मैंने एक पैन को गर्म होने के लिए रखा था और उसमें मैंने थोड़ा सा बटर डाल दिया है। बटर को हमें अच्छे से मेल्ट कर लेना है। और फिर जब हमारा जो बटर है ना मेल्ट हो जाए तो उसमें हमने आधे चम्मच डाल देना है देसी घी। इससे क्या है, हमारी पाव भाजी का स्वाद है वो बहुत ही अच्छा लगने लगेगा। तो अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा जीरा, और जब जीरा हमारे चटकने लगे तो हमने एक शिमला मिर्ची को छोटे छोटे पीसों में काट करके रख लिया था उसे डाल देंगे और 2-3 मिनट तक इसे अच्छे से इसमें भूजेंगे। फिर इसके बाद मैंने 2 बड़े बड़े प्याज को थोड़े बड़े बड़े पीसों में कट कर लिया है, देख लिए इस तरह से। तो इसे हम इसमें ऐड कर देते हैं और इसे हम अच्छे से चलाते हुए मैंने अच्छे से भूजना है। सर्दियों के मौसम में बहुत सारी सब्जियां आती हैं तो मैंने सोचा क्यों ना झटपट से तैयार हो जाने वाली ठेले वाली पाव भाजी बनाकर दिखाऊं। देखिए अब हमारी प्याज है जो हो गई है, तो उसमें मैंने 1 कटोरी हरी मटर, 2 टमाटर और फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड करेंगे। इन सबको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। दो से 4 मिनट तक इन्हें हमें अच्छे से इसी तरह से तल लेना है और फिर हमें इसके बाद इन्हें ना अच्छे से ढककर इन्हें हमें बिल्कुल अच्छे से कुक करना है। तो इन्हें ना हम अब 4 मिनट हो गए हैं, तो इसके बाद है ना हम ढक देते हैं और ढकने के बाद हम इन्हें बीच बीच में खोलकर हम इसको देख चेक करते रहेंगे। 2 से 3 मिनट होने पर इसे हम खोलकर इसे हम चेक करेंगे कि हमारी सब्जियां पूरी तरह से गली हैं या नहीं गली हैं। आप है ना इस तरह से पाव भाजी की भाजी बनाएंगे ना तो मेरा वादा है आप ना उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आप इस तरह से एक बार भाजी जरूर घर पर बनाकर ट्राई करें और इसे मैं 2 से 3 बार जब तक कि हमारी सब्जी अच्छे से नहीं गल जाती हैं हम इन्हें बराबर ढककर चलाते रहेंगे। और देखिए हमारी सब्जियां जो थोड़ी हो गई हैं तो अब इसमें मैंने कोई भी कंपनी का पाव भाजी मसाला लेकर इसमें ऐड कर दें। और फिर मैंने 2 से 3 मैश बॉयल किए हुए आलू थे उन्हें अच्छे से मैश कर लिया है और फिर हम इसे इसमें डालकर अच्छे से मैश करेंगे। मैं अच्छे से बिल्कुल चमचे से मसलते हुए इन्हें मिक्स कर लेना है। और फिर हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च और फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप मिर्ची अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसमें डाल सकते हैं। देखिए अभी ज़्यादा बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी लग रही है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। देखिए अब ये बिल्कुल एक सी मिली हुई लग रही है ना, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से बॉयल होने के लिए रख देते हैं।
और फिर इसे हम 2 से 5 मिनट तक अच्छे से धीमे आंच पर पकने देंगे, जिससे कि जो इसका पानी, हमने जो पानी डाला है ना, तो उसका कच्चापन आ जाता है, तो जिससे उसका कच्चापन निकल जाए। इसे हमें धीमी आंच पर ही थोड़ी देर खोलाना है और ऊपर से डाल देना थोड़ा सा बटर, जिससे कि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ जाए। बटर डालने से जो भाजी का टेस्ट बहुत ही दुगना हो जाता है। और फिर हम ऊपर से डाल दिए थोड़ी कसूरी मेथी और धनिया पाउडर, धनिया हो हरी धनिया तो आप उसे भी डाल सकते हैं। और बीच बीच में हम इसे अच्छे से चलाते जाएंगे, जिससे कि जो है भाजी है वो हमारी तली में चिपके ना। और देखिए अभी हमारी अच्छे से बॉयल हो गई है, तो इसे हम बंद कर देते हैं इसकी फ्लेम को, और वह हम तवे को गर्म करने के लिए रख देते हैं। अब हम दूसरी साइड तवे को गर्म होने के लिए रखा है, और जब हमारा तवा गर्म हो जाता है तो हम इस पर थोड़ा सा बटर डालेंगे, और बटर को हमें तवे पर अच्छे से चारों साइड लगा लेना है। और इसमें डालना है थोड़ा सा पाव भाजी मसाला, जिससे कि जो हमारे पाव हैं उनका स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाता है। और जो पाव हैं इसको मैंने 2-2 पाव को धीमी आंच पर सिकने के लिए रख दिया है, और इन्हें अच्छे से दबाते हुए अलट पलट करके हमें सेक लेना है। देखिए ये पाव, देखिए बिल्कुल मार्केट के जैसे ही लग रहा है ना, और खाने में भी आपको मार्केट के जैसे ही लगेंगे। थोड़ा सा अगल बगल से बटर और डाल देते हैं, जिससे कि ये अच्छे से सिक जाए। और 2 से 3 मिनट में ये जो हमारे पाव हैं वो सिक करके तैयार हो चुके हैं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, और नई रेसिपी की वीडियो के लिए बगल में दिए गए बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक करें। बनकर तैयार है हमारी।